कोरोना की दूसरी लहर भारत में कहर बरपा रही है। अस्पताल में मरीजों को बेड और ऑक्सीजन के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। इस वैश्विक महामारी में आपने ही आपनों की मदद नहीं कर रहे। इस आपदा में हर कोई यही सोचता है कि काश फरिश्ते आसमान से उतरकर जमीन पर उतरे और लोगों की जान बचाते, लेकिन कुछ फरिश्ते जमीन पर ही मौजूद हैं जो लोगों की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। राजधानी भोपाल के रहने वाले जावेद ने मरीजों की मदद के लिए अपने ऑटो को एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया है। ऑटो में ऑक्सीजन सिलेंडर रखकर मरीजों को निशुल्क सवारी के साथ ऑक्सीजन ऑटो से ही मुहैया करा रहे हैं। इसके अलावा ऑटो में संक्रमण से बचने के लिए प्लास्टिक की शीट लगाई गई है और सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी कर रखा है। जावेद ने मरीजों की निशुल्क सवारी और ऑक्सीजन के इंतजाम के लिए अपनी पत्नी का मंगलसूत्र तक भेज दिया। उनका कहना यह है कि इस महामारी में लोगों की मदद करना ही सबसे बड़ी मानवता है। सर, ये फेसबुक व्हाट्सएप आपके मीडिया से मुझे प्रेरणा मिली कि लोग अपने माँ बाप को कंधे पे लेके जा रहा है, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, कोई ठेले पे जा रहा है, कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई तो रोड पे तड़प रहा है, तो वो देख के मैं दिल एकदम हिल गया। तो मिले कि हम क्यों नहीं कर सकते, मेरी ऑटो है, मैंने कहा ऑटो में ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के हम उसको ऑटो एम्बुलेंस बना दें जिससे लोगों को फायदा पहुंचे और राहत पहुंचे, जल्दी से अस्पताल पहुंच जाए। और इसका पैसा कैसे आता होगा, ऑक्सीजन में गैस भरना है, तमाम प्रकार की आपने व्यवस्थाएं ऑटो में की गई है? कुछ मेरे भाइयों ने मदद करी, कल से मेरी मदद करी, फैसल है मेरा दोस्त है, उसके अलमारी कारखाना है, उसने अपने अलमारी कारखाने से सिलेंडर मुझे उठा के दिया, और नवे जी ने यह ऑक्सीमीटर लगा के दिया, शावर भाई ने मुझे किट दी, वैसा करके हम कर रहे हैं। रमजान का महीना भी चल रहा है, कितना मुश्किल होता है सर? मुश्किल का तो आसान है, मानवता के लिए जान बचाना तो ये मुश्किल है कि मानवता के लिए कितने लोग आगे आते हैं। आप लोगों को क्या प्रेरित करते हैं, इसमें क्या मैसेज और संदेश देना चाहते हैं, जिस तरह से आप अच्छा काम कर रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ सबसे, ये कोरोना काल है, महामारी का टाइम है, हम सब एक दूसरे की मदद करके इससे हम लड़ सकते हैं, इससे इसको हम हरा सकते हैं, मानवता के लिए हम आगे आके इसको जल्द से खत्म कर सकते हैं, हमें आना पड़ेगा, हमें एक दूसरे की मदद करना पड़ेगी। चलिए तो इसी खबर पर और अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता दुष्यंत पारासर जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, एक ओर जहां महामारी इतनी ज्यादा बढ़ रही है, अपने ही अपनों का साथ नहीं दे रहे, वहां दूसरी ओर इतनी अच्छी तस्वीरें कि लोग मदद करने के लिए एक ऑटो चालक ने अपने ऑटो को एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया। जी दुष्यंत, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी दुष्यंत, एक ओर जहां महामारी बढ़ती ही जा रही है, लोग एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे, वहीं दूसरी ओर हमने जो तस्वीरें देखी कि एक ऑटो चालक ने अपने ऑटो को एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया है। जी बिल्कुल, देखिए ऐसे लोग कहीं ना कहीं इस पेंडेमिक दौर में फरिश्ते ही कहे जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से इतर हटकर वो कहीं ना कहीं लोगों की मदद कर रहे हैं, और जिस तरीके से ये देखने में आया है कि लगातार कोरोना का फैलाव देखने को मिल रहा है, और ऐसे में कहीं ना कहीं हर एक आदमी का प्रयास ये रहता है उनकी मदद हो सके, और कहीं ना कहीं इंसानियत को जिंदा रखने का काम भी ऐसे ही लोग करते हुए नजर आते हैं। तो अब ये जरूर माना जाए कि जावेद जो है वो एक रियल हीरो है, और जिस तरीके से उन्होंने काम किया है तो उससे और लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए, और इस पैंडेमिक के दौर में लोगों की मदद करनी चाहिए। जी बिल्कुल दुष्यंत, बेहद अच्छा काम है कि वो इस समय इस महामारी के दौर में ये काम कर रहे हैं। कब से कितने दिन हो गए हैं जावेद को ये काम करते हुए? देखिए काफी दिनों से वो लगातार काम कर रहे हैं, जिस तरीके से उनको आइडिया मिला, उनको लगा कि लोगों की मदद करना चाहिए। इस पैंडेमिक दौर में जब लोग कहीं ना कहीं घर से नहीं निकल रहे हैं और लोगों की मदद एक दूसरे की नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में ऐसे ही लोग जब प्रेरणा स्रोत जो है वो लोगों के लिए बन पाते हैं, और लगातार जावेद अपनी जो कमाई का हिस्सा है जो वो कहीं ना कहीं इस पूरे ऑटो एम्बुलेंस के लिए लगा रहे हैं और लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। जी ठीक है दुष्यंत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो इंसानियत की मिसाल बने ऐसे ऑटो ड्राइवर जावेद भोपाल के, जिन्होंने अपने ऑटो को ही एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया। जहां एक ओर महामारी के इस दौर में लोग अपने ही अपनों की मदद नहीं कर रहे, वहीं दूसरी ओर जावेद ने अपनी पत्नी का मंगलसूत्र बेचकर तक लोगों की मदद की है, अपने ऑटो को एम्बुलेंस में बदल दिया है।